इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। ओ कृष्णा, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। हूँ कृष्णा। ओ कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल, ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया? लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उसे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बनाकर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है, एकदम नरम नरम, मुँह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हें ये बस बहुत आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया, आप सभी बड़ी दयालु है, मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है, ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है, पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओ यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा, काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भानु, और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु। जैसी आपके आज्ञा। आप
तुम सब के साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन जो है ना दादी। ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लो, ये रहा वो नन्ना बालक, अपने खेल कूद में मग्न। पर कहां है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया, पता नहीं कैसे। भानु, ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। जी भर के खाओ हंसी, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी, क्या समझी? कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खाकर देखो ना। कृष्णा, ये रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा, मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बांट कर खाऊं। ओ कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो, लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सब के लिए भी भेजा है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे, मैंने उन्हें सभी और ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही, मुझे तुम्हारी सहायता।
मधु, श्रीधाम, चारु, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा। चाहिए, हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही हैं। देखो वो रहा कृष्ण, कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में बाल गोपाल रूप में और गोशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा, कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। मैं स्वयं भी चकित रह जाती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है जिसमें मैं एकदम बंद सी गई हूँ। मायाजाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंद सा गया है। मायाजाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू है। हे भगवान,
ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा? पृथ्वी पर आए मुझे एक वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्णा कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस माया जाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो, इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। घर भी तो जाना है। कृष्णा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैंने भी। पेट भर के खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा लग रहा है कि एक साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। अब तक तो आ जाना चाहिए था।
कृष्ण, ये सब क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे टूट गया? प्यारी मैया, तुम ये क्या कह रही हो? चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ, चमत्कार मैं क्या जानू?